अभी तक आपने देखा कि सोशल मीडिया पर ही लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट किया जा रहा था, हैशटैग चलाए जा रहे थे, इसका विरोध किया जा रहा था, जिसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। लेकिन अब जमीनी स्तर पर भी लोग उतर आए हैं, कई हिंदू संगठन रास्तों पर उतर आए, इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, सिनेमाघरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते कई शो कैंसिल भी कर दिए गए हैं, जैसा कि हमने देखा कि 1300 से भी अधिक शो कैंसिल कर दिए गए हैं और 60% तक की गिरावट आई है बुकिंग के मामले में। और वाराणसी से लेकर पंजाब, मुंबई और भी कई जगहों पर इसके शो को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब इंग्लैंड के जो पूर्व क्रिकेटर है मॉन्टी पनेसर, उन्होंने भी इस फिल्म का बॉयकॉट करने की मांग की है, इसका विरोध किया है और ये कहा है कि ये फिल्म जो है ये भारतीय सेना और सिखों का अपमान कर रही है, इसमें पूरी तरह से उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई है। अमेरिका और वियतनाम की बात करें तो वहां लो आईक्यू वाले लोगों को भर्ती कर लिया जाता है, क्योंकि वहां पर उन्हें भर्ती ज्यादा दिखानी पड़ती है, करना पड़ता है। हालांकि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, ये मॉन्टी पनेसर का कहना है, तो वहां पर चल सकता है। लेकिन इंडिया में हर तरह से फिट इंसान ही इंडियन आर्मी में जा सकता है। तो लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट जो है वो इंडिया से निकलकर इंग्लैंड तक जा पहुंचा है और किन किन देशों में जाएगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जाएगा जरूर। वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद पूरे दुनिया से बॉलीवुड का बॉयकॉट किया जा रहा है, क्योंकि जब हम एनालिटिक्स देखते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं बचा है जहां से बॉलीवुड का बॉयकॉट ना किया जा रहा हो। लगभग हर देश से कोई ना कोई इंडियन है जो बॉलीवुड का बॉयकॉट कर रहा है। लोगों को पसंद नहीं है बॉलीवुड की फिल्में देखना, सिर्फ और सिर्फ रीजन एक ही है, सुशांत सिंह राजपूत का केस, जिसे बॉलीवुड ने मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन सच्चाई यही है, बाकी जो धर्म वाली चीजें हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, फिर हनुमान जी को लेकर जो बातें हैं, वैष्णो देवी के दर्शन को लेकर जो बातें हैं, या इंडिया में डर लगने वाली बातें हैं, ये सेकेंड पोजिशन पर आ रही है। लेकिन मैं यही कहूंगा हर बार कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला हर मामले से ऊपर है, जिसके चलते बॉलीवुड का बॉयकॉट किया जा रहा है।